मरुधरा के रण में एक साल से ऊपर का समय बाकी है, लेकिन सियासी बिसात बिछने का मौसम मानो अभी से आ चुका है। दोनों ही पार्टियां चुनावी रूपी शतरंज में अपने अपने वजीर तैयार करने में जुटी है, लेकिन दोनों ही पार्टी को 2023 पर निशाना साधना है तो एकजुट रहना सबसे बड़ी चुनौती बना है, जिसे लेकर दोनों ही पार्टियां समय समय पर हम साथ साथ है की सफाई देती हुई पेश भी आती है। हाल ही में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गहलोत सरकार के कामकाज की तारीफ करने के साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट का फोटो ट्वीट कर सियासी चर्चा छेड़ दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर मेडिकल के क्षेत्र में गहलोत सरकार के कामकाज को सराहा है। सरकार की तारीफ वाली पोस्ट में अशोक गहलोत के साथ ही सचिन पायलट का भी फोटो लगाया है। गहलोत सरकार की तारीफ में की गई पोस्ट के फोटो में पायलट की एंट्री सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी है, जिसको बदलते सियासी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने सचिन पायलट के पेशेंस की भी तारीफ की है, लेकिन सियासी जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी ने इस फोटो के जरिए एकता दिखाने की कोशिश की है, जिसमें राहुल गांधी ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत को बराबर महत्व देने का मैसेज दिया है। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि राहुल गांधी ने आखिरकार लिखा क्या है। राहुल गांधी ने लिखा, राजस्थान से जो वादा किया वह निभाया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जनता से किया अपना एक और वादा निभाया है। प्रदेश में चल रही निशुल्क दवा योजना में 824 और दवाइयों को शामिल किया है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां पर लगभग 1795 दवाइयां बिल्कुल मुफ्त मिल रही हैं। इनमें से कई महंगी जीवन रक्षक दवाइयां भी मुफ्त मिलेगी, जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां बचेगी। लेकिन इस फोटो के लगने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब राहुल गांधी ने पायलट को लेकर नैरेटिव बदलने की शुरुआत कर डाली है? क्या 2023 पर निशाना साधने की कोशिश राहुल गांधी ने शुरू कर दी है और ये कोशिश गहलोत और पायलट के साथ से होगी? पर सवाल तो ये भी है कि क्या सियासत के विजय रथ को पाने के लिए ये साथ इतना आसान हो पाएगा?